वेलकम बैक टू द चैनल और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग अभी जा रहे हैं राजदरी देवदरी, जो चंदौली जिला में पड़ता है, यूपी के। तो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था आपको अवरवताड़ बंधा और कैमूर विल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं और मैं हूँ अभी अधौरा पहाड़ पर, जो कि इसके आगे कौन सा गाँव है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये अधौरा पहाड़ है और काफ़ी अच्छा रोड है यहाँ पर। तो राजदरी देवदरी जाने के लिए आपको कहीं भी ऑफ रोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा रोड है। और भभुआ से अगर आप आना चाहते हैं तो 60 किलोमीटर भभुआ से पड़ता है और चंदौली से भी 60 किलोमीटर पड़ता है। तो अगर आप सासाराम होकर आ रहे हैं तो भभुआ से आ जाइए, अगर आप बनारस होते हुए आ रहे हैं तो आप चंदौली से आ जाइए। आपको ईजिली पड़ेगा, कहीं बुलाने की रास्ता नहीं है, आप GPS ऑन कीजिए तुरंत आ जाएंगे आप। राजदरी और देवदरी के गेट के पास, तो यहाँ पे टिकट काउंटर है और आप टिकट लेकर अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो मैं बता दूँ कि 50 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ पे लगता है और पार्किंग का अलग है। पार्किंग का 2-व्हीलर का 20 रुपये और 4-व्हीलर का आपको 50 रुपये लगता है शायद। तो चलिए अभी हम लोग टिकट ले लेते हैं यहाँ से और फिर आगे चलते हैं। आप सामने देख रहे हैं रेट चार्ट लगा हुआ है, तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आकर पढ़ ले, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, पार्किंग का और फिर प्रति व्यक्ति यहाँ पे रहने का, हर एक चीज़ इसमें डिटेल मेंशन है। यहाँ आपको कैमरा में उतना दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मिट चुका है धूप और पानी की वजह से। ऐसे आपको जो राजदरी देवदरी है वो 3 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, आप गाड़ी से जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। और मैं बता दूं कि राजदरी और देवदरी जो है वो दो अलग अलग वाटरफॉल है। राजदरी से जो पानी निकलता है वो देवदरी में जाके गिरता है। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। यहाँ से आप सीधे जाएंगे तो राजदरी और राइट टर्न लेंगे तो देवदरी मिलेगा। तो हम लोग पहले देवदरी घूमेंगे, उसके बाद फिर राजदरी में जाएंगे। अभी मैं पहुंच गया हूं देवदरी और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है यहां से। मैं बता दूं कि बारिश के मौसम में राजदरी देवदरी का जो सुंदरता है उसमें और 4 चांद लग जाता है, क्योंकि ये हाइट पे है और हाइट पे होने की वजह से बादल काफ़ी नीचे आ जाते हैं। तो यहां पे आपको आपके लिए व्यू पॉइंट भी बनाया गया है, आप वहाँ पर जाके फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं और सामने से आपको दिखेगा कि एक झरना, मतलब काफ़ी खूबसूरत झरना दिखेगा। जिस व्यू पॉइंट का बात कर रहा था मैं, यहीं से आप ऊपर चढ़ के आप यहाँ पे सेल्फी वगैरह फोटो वगैरह ले सकते हैं, यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखता है।